स्वागत है दोस्तों। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और ये बात बचपन से ही हमें पढ़ा दी जाती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि नेहरू ही क्यों? क्या वो भारत के बाकी लीडरों से ज्यादा काबिल थे, या फिर भारत की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान सबसे ज्यादा था? दोस्तों, इन दोनों ही सवालों के जवाब हैं बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिस वजह से उनको देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया? दोस्तों, साल था 1946 का, और वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के साथ साथ भारत की आजादी की राह साफ दिखने लगी थी। उस समय सेंट्रल असेंबली में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस वजह से एक बात साफ थी कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना आजाद, और उन्हें 6 साल हो चुके थे पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभालते हुए। इसलिए एक जनरल डिमांड उठने लगी कि एक नए पार्टी प्रेसिडेंट के लिए फिर से इलेक्शन किया जाए। और पार्टी प्रेसिडेंट के दो सबसे बड़े दावेदार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, उस समय वल्लभ भाई पटेल ने खुद को एक ग्रेट लीडर के तौर पे साबित कर दिया था, और इसी वजह से गांधी जी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी के सारे मेंबर्स चाहते थे कि वल्लभ भाई पटेल ही नए पार्टी प्रेसिडेंट बने और फिर आगे जाके देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पर ये बात जवाहरलाल नेहरू को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खुद देश के पहले पीएम बनने का सपना देख रहे थे, और साथ ही साथ गांधी जी भी नेहरू के ही सपोर्ट में थे। फिर एक्चुअल इलेक्शंस हुए, और उस समय सिर्फ पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास पावर होता था पार्टी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, और तब इंडिया के 15 पीसीसीज में से 12 ने वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, और बाकी 3 पीसीसीज ने किसी को भी वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये था कि नेहरू को 0 वोट्स मिले थे, और वल्लभ भाई पटेल ही देश के पहले पीएम बनने के असली हकदार थे। पर ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन में हारने के बाद भी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया गया? दोस्तों, हुआ यूं कि जब गांधी जी ने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में नेहरू को बताया, तब उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि या तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर वो पार्टी छोड़ देंगे। क्योंकि नेहरू गांधी जी के फेवरेट थे, इसलिए गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को इलेक्शन से अपना नाम वापस लेने को बोला। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को कुर्सी का कोई मोह नहीं था, और साथ ही साथ वो ये जानते थे कि अगर नेहरू पार्टी छोड़ के ऑपोजिशन में चले गए तो देश का एक और बंटवारा होना तय था, और देश को एकजुट रखने के लिए उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनने का हक सैक्रिफाइस करते हुए अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लिया, जिसके बाद नेहरू पार्टी प्रेसिडेंट बने और फिर देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इस सबसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री का दिमाग कितना मैच्योर था। और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के पहले लीडर को अनडेमोक्रेटिकली चूज किया गया था। दोस्तों, इस इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को एंड करने से पहले देश के बाकी लीडरों का इस पूरे इंसिडेंट पर क्या ओपिनियन था ये मैं आपके स्क्रीन में डालूंगा। आप चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी यहीं तक ही थी।